स्टूडेंट्स अभी और एस्पायरेंट से मिलते हैं इस पीजी के, और इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पीजी के रिगार्डिंग, इन यहाँ की रेंट क्या है और उसके अगेंस्ट यहाँ एमिनिटीज़ ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। और आप भी दोस्तों इसको देख कर जज कर सकते हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो डिटेल में मैम से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? मैं रांची से हूँ, झारखंड। रांची, झारखंड। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो मैम? मैं फ़िलहाल तो कॉलेज LLB कर रही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन एज सच नहीं कर रही। मैम का क्या है? संगीता। मैं अभी झारखंड से हूँ, यहाँ मैं काम करने के लिए आई हूँ। मैं अभी वर्क कर रहे हो यहाँ पर, और किस चीज़ में वर्क करते हैं? यही हाउस कीपिंग और वही किचन का काम। अभी मैम आपको कितना टाइम हो चुका है इस पीजी में रहते हुए? मैं पिछले 6 महीनों से रह रही हूँ यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ पे, और फैसिलिटीज़ सारे अच्छे हैं, जितने रिक्वायर्ड हो उतने तो मिल ही जाते हैं, और पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। अभी मैम कितने डबल शेयरिंग में रह रहे हैं आप, ट्रिपल में? मैं डबल शेयरिंग में रह रही हूँ। डबल शेयरिंग में रेंट कितना दे रहे हो? मैं तो 12,000 ना। मैम आप क्या बोलना चाहोगे इस पीजी के बारे में, थोड़ा फैसिलिटीज के बारे में डिटेल में बता दीजिए। अच्छा, डबल वाला तो वो 13 से स्टार्ट है, और ट्रिपल वाला 10 ऐसे स्टार्टिंग है, और इसमें मतलब मेन चीज़ यह है कि यहाँ पे मेन रोड है, और यहाँ से हर चीज़ मतलब जल्दी आसान से मिल जाता है, और रात में भी इतना डर नहीं है, यहाँ पे क्राउड रहता है, और सब ठीक ही है यहाँ पे। मैम सिक्योरिटी पर्पज़ से आप कितना पॉइंट देना चाहोगे इस पीजी को? 10/10, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लोकेशन इतनी अच्छी है, और हमारा एंट्री भी टाइम से लॉक हो जाता है, CCTVs लगे हुए हैं, कार्ड पंच करना पड़ता है एंटर करने के लिए। एक और बात मैम, जैसे विलेजेस में ज़्यादातर पेरेंट्स भेजते नहीं हैं गर्ल्स को, और वो चाहते हैं कि हम यहाँ के केयरटेकर से बात करते रहें, और साथ में हमारा बच्चा किस टाइम बाहर जाता है टोटली वो जानकारी रखना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना, कि वो कितना कम्युनिकेट कर रहा है घर पे, कितना बता रहा है कि कब आ रहा है कब जा रहा है, ऐसे सच न्यूज़ में जितनी ज़्यादा दिखाते हैं उतना इनसिक्योर होने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे जिनको भी भेजना है अपने बच्चों को यहाँ भेजे, पढ़ने का मौका दे, अपॉर्चुनिटी तो सभी को मिलनी चाहिए। पेरेंट्स को कैमरे का एक्सेस मिल सकता है? कैमरे का एक्सेस आई डोंट थिंक सो मिलेगा, बट उतने ज़्यादा मतलब इनसिक्योर पेरेंट्स को तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भेज रहे इतने ट्रस्ट के साथ, तो आगे भी ट्रस्ट करना चाहिए कि बच्चा अच्छा ही करेगा। लास्ट में मैम यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दीजिए, जो नॉर्थ कैंपस में रहना चाहते हैं या फिर UPSC, SSC, CGL और बैंकिंग पर्पज़ से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट लोकेशन रहेगी? लोकेशन तो ये बहुत अच्छा है, और भी लोकेशंस हैं बट ये भी ठीक है, कॉलेज के बहुत पास है, सारी शॉप्स और ईटरीज अवेलेबल है आसपास, तो ये बढ़िया लोकेशन है। मैम जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको थोड़ा रिकमेंड करोगे ये पीजी, आप उनको यहाँ पर दिल्ली में आके स्टडी करनी चाहिए या फिर घर से भी हो सकती है? जी मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कैपेबल हो, आप उतना फाइनेंशियली कैपेबल हो कि आप आके यहाँ पे खर्च करें और पढ़ाई कर सकें, तो फॉरेन एनवायरनमेंट आप आ सकते हो, मगर ऐसी कोई एकदम कंपल्शन नहीं है कि यहाँ आकर ही पढ़ाई होगी, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, तो जहाँ आप कंफर्टेबल रहो वो सही है। तो मैम कहना चाहते हैं कि अगर आपको स्टडी एनवायरनमेंट घर में मिल सकता है तो वो भी बेटर है आपके लिए, और इन वरना आप यहाँ पर भी आ सकते हैं पीजी में मेनली फॉर स्टडी एनवायरनमेंट, और साथ में मैम प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ लाइब्रेरीज वगैरह मिल सकती हैं। हाँ यहाँ लाइब्रेरीज 24/7 खुले रहते हैं बहुत सारे, इनफैक्ट अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, DU के स्टूडेंट हो, तो सेंट्रल लाइब्रेरी तो 365 डेज खुली रहती है, बस ये कोरोना के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ टाइम का लिमिट लगा था, बट जनरली यहाँ लाइब्रेरीज बहुत अवेलेबल है। लाइब्रेरी का यहाँ जर्नल रेंट कितना है मैम? एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, और अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पास वाले लाइब्रेरी का आई गेस 1,000 to 1,200 पर मंथ, और आर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, अगर आप 6 घंटे वाली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या फिर 8 घंटे वाले सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो वो उसके हिसाब से रेंट डिपेंड करता है। कितना पर आवर बैठता है यहाँ पर? पर आवर के हिसाब से नहीं मिलता इनका, ऐसे मतलब 6 आवर्स स्लॉट रहता है, स्लॉट 6 आवर्स का स्लॉट रहेगा या फिर 8 आवर्स का स्लॉट रहेगा, वो भी मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा या फिर
नाइट या इवनिंग का स्लॉट रहेगा, वो आप जिस स्लॉट पे आपने बुकिंग कर रखी है उस स्लॉट में आप आओ, अपनी पढ़ाई करो, या फिर अगर आपको 24/7 कभी पूरे दिन का कभी कभी लेना है तो उनके अलग चार्जेस होंगे। मेरे को मतलब उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ ये जितना मैंने पता किया था इतना ही है। ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।